तपास करेगा सब सब एंगल से, और सब जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी उसके बारे में हम डिटेल आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पीड़ित महिला ने जो 11 दिसंबर को हमारे जो अधिकारी गए थे उनके पास जो उन्होंने फिरियाद दी है, बयान दिया है, उसी अनुसार हमने सब आया बहादुरी के धारा उसमें अप्लाई किए। SIT भी उसके बारे में आगे जाके टेक्निकल है, CCTV है, बाकी और टेक्निकल डाटा, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और जितने भी कई विटनेस है उनका सबका एक डिटेल इंक्वायरी हम करेंगे। विशेष तपास पदक ये तपास के बारे में जितना भी कुछ तांत्रिक और जो भी कुछ साक्षीदार है उसमें सबको तपास करेगा सब सब एंगल से, और सब जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी उसके बारे में हम डिटेल आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, आरोपी को अब तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्या वजह? आरोपी के बारे में हमारा इंक्वायरी चल रहा है, जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, जो FIR है, फिरियाद है, उसके अनुसार हमने जो सेक्शंस लगाए उसके बारे में हमारा आगे का तपास चल रहा है। आरोपी के पास भी हमारा इंक्वायरी चल रहा है। अब तक कितने लोगों को बयान दर्ज किया गया सर? अब तक हमने जो साक्षीदार है वो 3 साक्षीदार के बयान नोट किए, बयान ले लिया अभी, सर, अशुजीत का भी क्या बयान हो चुका है? उसके पास इंक्वायरी चल रही है। सर, इसमें जो पीड़िता है उसने आरोप लगाया है कि रात में पुलिस उसके पास गई थी और एक पेपर पे दस्तखत करवाया जा रहा था, उसने उस पर नहीं किया है, दबाव बनाया जा रहा है, और वो जो पीड़िता जो अपना उसके ऊपर जो बीती है वो बता रही है, उसके हिसाब से धाराएं नहीं लगाई जा रही हैं। 307 की कलम अब तक लगाई नहीं गई है सर, पीड़ित क्यों नहीं? महिला ने जो 11 दिसंबर को हमारे जो अधिकारी गए थे उनके पास जो उन्होंने फिरियाद दी है, बयान दिया है, उसी अनुसार हमने सब आया बहादुरी के धारा उसमें अप्लाई किए। सर, क्या अभी आगे धाराओं में वृद्धि की जा सकती है? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में डेवलपमेंट हो जाएगी उस अनुसार हम आगे की कायदेशीर कार्रवाई, लीगल एक्शन करेंगे। सर, इस पूरे केस पे गाड़ियां कितनी जब्त की गई है? क्या वो गाड़ी जब्त की गई है जो विक्टिम बता रही है कि जिस गाड़ी से उसे रोकने की कोशिश की गई थी? अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में एक गाड़ी हमारे ताबे में है, उसके बारे में भी हम डिटेल इंक्वायरी कर रहे हैं। सर, इसमें जो है बार बार वो पीड़िता ये कह रही है कि जो है पुलिस जो जिस दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रही है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, पुलिस शायद दबाव में है, क्योंकि जो है एक जो ये फैमिली है वो बहुत ही रसूखदार वाली है, और इसलिए जो है मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है अभी। ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे उन्होंने भी अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है, और SIT भी उसके बारे में आगे जाके टेक्निकल है, CCTV है, बाकी और टेक्निकल डाटा, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और जितने भी कई विटनेस है उनका सबका एक डिटेल इंक्वायरी हम करेंगे। तीन लोग सर जिनके बयान हुए हैं कौन?